हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DHFL के बारे में, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखिए, 143 रुपीज़ के आसपास यह शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले काफ़ी दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर हाल फिलहाल में कौन सी लेटेस्ट अपडेट चल रही है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो DHFL की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते का, सबसे पहले अगर मैं उसका डेटा निकालूँ तो पिछले एक हफ्ते में DHFL के शेयर्स में ऑलमोस्ट 9% की गिरावट है। देखिए, 140 रुपीज़ का लो है और 157 रुपीज़ का हाई बना है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में DHFL के शेयर्स में 5.65% का ग्रोथ जरूर है। देखिए, 172 रुपीज़ तक ये शेयर पहुंच गया था, 135 रुपीज़ का लो है, मतलब यहाँ पर लो बनाया था। बढ़िया तेजी आई और शेयर चला गया 172। उसके बाद इसमें गिरावट बनी है और वापस से वहीं पर आ गया है जहां से ये शुरू हुआ था एक महीने पहले। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में इसमें 77% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 105 रुपये के आसपास का लो है और 675 रुपये से भी ज़्यादा का हाई इसने बनाया था। चार्ट आप देखेंगे, गिरावट आई, बाद फिर उसने धीरे धीरे बाउंस बैक भी बीच बीच में करने की कोशिश की, लेकिन उसको वो मेंटेन नहीं कर पाया और उसको ऊपर फर्दर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया। जब भी थोड़ी सी इसमें तेज़ी आती उससे कई ज़्यादा इसमें गिरावट आ जाती। अगर 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में DHFL के शेयर में 30% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है। 105 रुपये तक का लो बना है और 675 रुपये तक का हाई इसने बनाया है। 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में DHFL के शेयर्स में ऑलमोस्ट 260% का ग्रोथ देखने को मिलता है। 36 रुपीज़ के आसपास का लो है और 675 रुपये से भी ज़्यादा का हाई है। चार्ट आप देखेंगे तो तेजी आती है फिर गिरावट आ जाती है। और देखिए, अभी जो गिरावट चल रही है, 2010 में ये शेयर 158 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद कंटिन्यूस इसमें गिरावट बनी, कंटिन्यूस इसमें गिरावट बनी कि ये शेयर 150 रुपये के ऊपर उठा ही नहीं और 2013 आते आते 50 रुपये तक चला गया। 3 साल में इसका प्राइस जो है 150 रुपये से घटकर 50 रुपये का हो गया। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई और 50 रुपये का शेयर 2 ही साल में 250 रुपये क्रॉस कर गया। उसके बाद फिर से गिरावट आई, एक साल में अगेन वो 250 रुपये का शेयर 150 पे आ गया। लेकिन उसके बाद जो तेजी आई कि 1 ही साल में अगेन वही 150 रुपये का शेयर 650 रुपये पर ट्रेड करने लगा। तो ये वो शेयर्स हैं जिसमें बहुत ही जल्दी तेजी और गिरावट देखने को मिलती है। और अगर बात करेंगे इसके मार्केट कैप की तो स्मॉल कैप इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। NSE में अगर हम बात करेंगे तो 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। नतीजे दिसंबर के उतने अच्छे नहीं है, उतने अच्छे दिसंबर के नतीजे DHFL के नहीं है। नेट सेल में भी 7.5% की गिरावट थी, नेट प्रॉफिट में भी 28% की गिरावट है। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम जब मार्च 2019 का जो डेटा आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो थोड़ा सा बेहतर आए ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से शेयर्स में जो जो भी नतीजे आएंगे उतने ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर अगर 313 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 313 करोड़ की जगह नेक्स्ट मार्च का जो डेटा है, जो भी रिजल्ट आएगा, वो 500-600 करोड़ पहुंचेगा नेट प्रॉफिट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो इसी के आसपास का देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो देखिए, प्रमोटर्स के पास 39.21% की होल्डिंग है, FIIs के पास 17.65% की होल्डिंग है। FIIs ने अपनी होल्डिंग कम की है, म्यूचुअल फंड के पास 1.09% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 38.37% की होल्डिंग है, इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ी है। अदर DIIs के पास 3.68% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अंदर पैसा लगाया है, 140 FIIs भी इसमें इन्वेस्टेड है। और आप देखिए, इंडिविजुअल होल्डिंग यहाँ पर 27.8% की है। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, 25% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 2.5 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं।
बोनस रेशियो एक एक का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो हाल फिलहाल में अगर डीएचएफएल की बात करें तो पिछली बार जो ये न्यूज आई थी कि डीएचएफएल में ऑक्ट्री, सेलब्रस, लोन स्टार एंड पीरामल रेस टू एक्वायर डीएचएफएल, तो ये डीएचएफएल को एक्वायर करने की रेस में है। और ये लोग चीजें अगर बात की जाए कि अलग अलग हिस्सा ये लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। देखिए अगर यहाँ पर बात करें कि टू फेमिलियर डेवलपमेंट, तो कंपनीज प्लानिंग टू स्प्लिट इस होलसेल लोन एंड रिटेल लोन बिजनेस। तो दोनों जो बिजनेस है उनके होलसेल और रिटेल लोन बिजनेस दोनों को स्प्लिट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इसको इंडिविजुअली खरीदने के लिए कोशिश है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर आर कीन टू बाई रिटेल लोन बिजनेस। तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं वो रिटेल लोन बाइंग बिजनेस खरीदने के लिए सोच रहे हैं, जिसमें से बात करें तो ऑक्ट्री को छोड़कर जो जो भी है लोन स्टार, पिरामल और सेब्रस, वो रिटेल लोन उसको बुक को खरीदने की कोशिश है, जबकि ऑक्ट्री कैपिटल वो लो होलसेल लोन बिजनेस को खरीदने की कोशिश में है। लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज है, जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि पिरामल ने फाइनली कहा है कि सेज ओनली आइंग ऑन होम लोन पोर्टफोलियो ऑफ डीएचएफएल, नॉट इस शेयर। तो पिरामल की तरफ से बताया गया है, देखिए द अजय पिरामल, चेयरमैन ऑफ पिरामल इंडस्ट्रीज, सॉरी पिरामल एंटरप्राइज, ऑन 26 अप्रैल शेड ही हैज नॉट इंटेंड टू इन्वेस्ट इन डीएचएफएल। देखो उनका ये कहना है कि वो डीएचएफएल के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। एंड इट्स ओनली इवेलुएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग द ट्रबल हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ होम लोन पोर्टफोलियो। तो ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये बस उनकी जो होम लोन पोर्टफोलियो है उसी को अक्वायर करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं। यहाँ पर है कि वी आर लुकिंग एट वेरियस पोर्टफोलियो कंसर्निंग होम लोन्स, वन ऑफ विच इज डीएचएफएल। तो सिर्फ डीएचएफएल ही नहीं, अलग अलग जो फाइनेंस कंपनीज है उसमें ये लोग वेरियस पोर्टफोलियो जो होम लोन से कंसर्न है उसको खरीदने के लिए ये लोग सोच रहे हैं। वी आर लुकिंग एट देयर पोर्टफोलियो, इफ इट ऑल वी डू वी आर जस्ट एक्वायरिंग अ पोर्टफोलियो और अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, नॉट एक्वायरिंग और इन्वेस्टिंग इन द शेयर ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने कहा है ये मीडिया सेल को कि ये कंपनी में पैसा लगाने के लिए नहीं है, नहीं सोच रहे, वो सिर्फ और सिर्फ जो उनका होम लोन का पोर्टफोलियो है वो सिर्फ उसी को खरीदने के लिए सोच रहे हैं हाल फिलहाल। तो ये उनकी तरफ से बताया गया स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं एक छोटी सी लेकिन एक अच्छी न्यूज जरूर है कि ऑफिशियली जब पिरामल एंटरप्राइज ने इसके बारे में बताया है कि वो डीएचएफएल में होम लोन पोर्टफोलियो खरीदने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ मनी कंट्रोल में जाऊंगा तो 85% हाल फिलहाल मुझे बाइंग रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है, 13% सेलिंग है, 2% होल्ड रिकमेंडेशन यहाँ पर है। अगर मैं फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो कंपनी के ऊपर कर्जा 79,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है, और ये डेटा था मार्च 2018। हाल फिलहाल शायद ये और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। टोटल असेट्स की बात करें तो 87,800 करोड़ से भी ज्यादा के टोटल असेट्स इनके पास हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड बहुत ही कम हिस्सेदारी है लेकिन है सही, लाखों में हिस्सेदारी जरूर, आदित्य बिरला सन लाइफ अभी भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से हाल फिलहाल डीएचएफएल काफी ज्यादा अग्रेसिवली अपने जो भी पोर्टफोलियोज हैं उसको बेचने के लिए या एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अगर पिरामल को अगर वो लोग होम लोन का पोर्टफोलियो अगर बेच भी देते हैं तो बाकी जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उसके लिए और भी ज्यादा लोग लाइंस में हैं, जैसे कि ऑक्ट्री हो गया, लोन स्टार हो गया, सेलिब्रेस हो गया, तो वो लोग भी हैं। तो शायद ऐसे तरह आने वाले कुछ दिनों में जब जब इस तरीके की न्यूज आएगी डेफिनेटली आपको इसके शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी। तो यही मैं कहूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी इसको खरीदा हुआ है तो ज्यादा पैनिक करने की या फिर टेंशन उतना ज्यादा पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से अगर आप नए बायर्स हैं तो डेफिनेटली आप इसमें छोटी क्वांटिटी फंसा सकते हैं, क्योंकि ये वो शेयर्स है जो बहुत जल्द अपर सर्किट लगा देता है। देखो जब जब लोअर सर्किट भी अगर लग जाती है, नो डाउट आपका पैसा 2-3 साल के लिए शायद फंस जाता है, 1 साल के लिए शायद शायद फंसता है, लेकिन जब ये ऊपर उठना स्टार्ट करता है तो डबल और ट्रिपल तक पहुंच जाता है।
लेकिन अगेन कहूंगा रिस्की शेयर से, बहुत ही रिस्की शेयर से। अगर आपको खरीदना है ये शेयर तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी इसमें कभी भी नहीं फंसानी चाहिए। एक छोटा सा अमाउंट आप इसमें फंसा के देख सकते हो, ज्यादा बड़ा अमाउंट आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।